ये देखो, ये जो कबाब है ना, ये हमारे इसके अंदर में हम डालने जा रहे हैं। देखो, हाय हाय, सोचो, हाय हाय हाय, मसाला एंटो जो है ना, उसके लवाजमा जो है वो डाले जा रहे हैं। ठीक है, मिर्चे वगैरह और वो जरा कुछ जो सर्वे रखे हुए ना, तो इसके अंदर जो है ना वो डाले जाएंगे। हाय हाय हाय, तो यार हमारे जो है हैवी किसी जो है ना, वो स्पेशल लोग नहीं, मलाई बॉडी को है ना वो पूरी तरह नहलाते हुए, ठीक है ना, मक्खन के साथ और मलाई के साथ। हाय 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 हाय, अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रात, तो वेलकम बैक हो गया तुम सबका टू दी न्यू ब्लॉग के अंदर। तो यार आज का सीन ये है कि आज जो है ना भाई तुम्हारा, तुम लोगों को जो है ना वो है अभी किस्म का, स्पेशल किस्म का जो है ना वो बारबेक्यू दिखाने जा रहा है। ठीक है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ठीक है, तुम लोगों ने वैसे जो है ना वो आम से बारबेक्यू तुम लोगों ने बहुत से देखे होंगे, ठीक है ना, जैसे कि वही कोयले पर रख के साथ जो है ना वो बन के तैयार हो जाते, ठीक है। पर आज जो है ना भाई तुम्हारा मखनी कबाब, मखनी मलाई बोटी और फुल ऑन हैवी तवा पीस और सब्जी वगैरह तुम लोगों को टोटल दिखाएगा, और बड़ा कोई लेवल और हैवी किस्म का सीन होगा, तो तुम लोगों को बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। तो साथ साथ मैं तुम लोगों को जाके वहाँ पे लोकेशन दिखाऊंगा और उसका हैवी माहौल दिखाऊंगा और फिर फूड रिव्यू देंगे। हमारे साथ जो है ना वो इस वीडियो के अंदर उस्मान जा रहा है, ठीक है, तो आओ फिर उसको पकड़ते हैं और निकलते हैं। A few moments later. तो यार इस वीडियो के अंदर जो है ना उस्मान हमारे साथ होगा, ठीक है ना। अब पहली बार जो है ना उस्मान मटन वगैरह को छोड़ के, क्योंकि महंगाई के साथ साथ महंगाई बड़ी हो गया ना, तो अब उस्मान चिकन की तरफ थोड़ा बहुत आ गया। Oh my God! Wow! तो बारबेक्यू खाने हमारे साथ जाएगा और फिर ये भी तुम लोगों को रेट करके बताएगा कि किस तरह का सीन है। चलो लेट्स गो। तो यार भाई जो है ना तुम्हारा अपनी लोकेशन पे आ गया, ठीक है, तुम लोग चेक कर सकते हो। उफ माय ग्रिल, ठीक है ना, नीचे बड़ा हैवी किस्म का जो है ना वो बारबेक्यू का सेटअप है, वहाँ पे सजी और वो टोटल जो है ना बड़ा हैवी किस्म का जो है ना वो सीन चल रहा है। तो मैं जो है ना वो तुम लोगों को थोड़ी जो है ना इसकी लोकेशन बता दूँ, ठीक है। ये तुम लोग पीछे चेक कर सकते हो, ये जो है ना ऊपर ऑरेंज लेन का पुल जो आ रहा है, ठीक है, सामने जो है ना वो हारो वाली मार्केट है और उसके बिल्कुल सामने जो है ना ये तुम्हें मिल जाएगा उफ माय ग्रिल, ठीक है। तो अब आओ इसका जो है ना वो तरह तरह की चीज़ें जो है ना वो ट्राई करते हैं और ओवरऑल जो है ना हैवी सीन देखते हैं कि क्या क्या इसके पास जो है ना वो अवेलेबल है और क्या क्या कुछ अच्छा है खाने में। तो अब इसका बगैर किसी टाइम लगा के जो है ना वो फूड रिव्यू करते हैं। चलो चेक कर सकते हो, तो यहाँ पे जो है ना बारबेक्यू का बड़ा हैवी सीन जो है ना वो चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे नेपनेट्स है चिकन, ठीक है, चिकन पीस है, ये लेग पीस लग रहा है, ठीक है, और साथ जो है ना वो तुम लोग चेक कर सकते हो टिक्का, और उसके अंदर जो है ना वो मखनी मखनी टिक्का जो है ना वो तैयार हो रहा है, ये देखो। और सामने जो है ना वो तुम लोगों को कबाब दिख रहे होंगे, बड़े हैवी बड़े लेवल किस्म के, ठीक है। तो अब हम भी जब ऑर्डर उससे बनवाते हैं ना मखनी वाला, तो फिर मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि मखनी कबाब जो है ना वो किस तरह के तैयार होते हैं, ठीक है। ऊपर मसाला डालेगा वो सारी चीज़ें तुम लोगों को बात करेगा। अस्सलाम वालेकुम। तो आप जरा अपनी लोकेशन थोड़ी बताएं और ये बताएं कि न्यू न्यू ये ओपन हुआ उफ माय ग्रिल, इसको 6 माह हो गया ओपन, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती है? हमारे पास कबाब होते हैं, टिक्का होता है, जो बारबेक्यू की और आइटम वो होती हैं, लेकिन थोड़ा स्पेशलिटी में देते हैं बारबेक्यू, मखनी में हमारा बारबेक्यू जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे काफ़ी मशहूर हो गया। और मखनी कबाब और क्या क्या आपके पास ज्यादा जो मखनी चीज़ें हैं जो बड़ा फेमस है? मखनी कबाब है, मखनी नेपलेट है, मखनी मलाई बोटी है, उसके बाद मखनी टिक्का है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये और ये कहीं और नहीं अवेलेबल होंगी ऐसा बारबेक्यू? नहीं, ऐसा बारबेक्यू कहीं और तो अवेलेबल नहीं है, सिर्फ एक बंदा है जो ग्रिल बादशाह है धर्मपुरा में, वो सेल कर रहा है, उसके अलावा हम सेल कर रहे हैं। और आपका टेस्ट अच्छा? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स है। और उसके अलावा यहाँ पे सब्जी वगैरह भी मैं देख रहा हूँ? हाँ जी, हमारे पास है जो इसके अलावा हमारे पास बारबेक्यू के अलावा हमारे पास सब्जी है, तवा पीस है, कढ़ाई है, उसके बाद फिश है। तो यार यहाँ पे जो है ना हमारा पहला तवा पीस जो है ना वो नेक का वो तैयार हो रहा है, ठीक है, तुम लोग चेक कर सकते हो, ये जो है ना उसकी पहले अच्छी तरह जो है ना वो कटिंग कर रहा है और ये देखो। और अब जैसे जैसे जो है ना वो तैयार करता हूँ फिर मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, ये टकाटक जो है ना वो तवा पीस जो है ना वो तैयार हो रहा है। ये जो है ना इन लोगों ने टमाटर की चटनी रखी है, ठीक है, मुझे लगता है इसको जो है ना वो एज आ मसाला ये लोग जो है ना वो यूज करते हैं। ये देखो इतनी जो है ना इसमें टमाटर की चटनी साथ जो है ना वो इसे डाल दी है। अब देखते हैं कि इसका टेस्ट जो है ना वो सिर्फ टमाटर में रहना है, जो है ना ये दही इसने रखी हुई है, ठीक है, और टमाटर की चटनी और दही के साथ इसने टोटल जो है ना वो मिक्स कर दिया। वहाँ पर जो है ना वो इसने हैवी किस्म के जो है ना ये तुम लोग चेक कर सकते हो मसाले रखे हुए, ठीक है, इसमें वो गरम मसाला, लाल मिर्च, काली मिर्च, धनिया और वो वगैरह मिर्चें वगैरह और नमक वगैरह हर चीज़ पड़ी हुई है। तो अब ये थोड़ी थोड़ी जो है ना वो इसके ऊपर डाल रहा है और ओवरऑल जो है ना वो सारा एक मिक्सचर जो है ना वो इसमें तैयार कर लिया। देखते साथ ही जो है ना क्यों उस्मान बहुत भूख लग रही है ना साथ साथ, अभी तो सिर्फ एक चीज़ बनना शुरू हुई है, तो सोचो जब सारी तैयार होगी तो फिर क्या होगा। और एक पेस्ट बनी है, ठीक है, टमाटर की और मसालों की।
तवा पीस जाना उसके अंदर इन लोगों ने डाल दिया ठीक है। फिर मुझे लगता है या था ग्रेवी जाना वो आएगा और एक लेवल किस्म का जो है ना वो सीन करवाएगा। अब इसको जो है ना वो थाम दिया ताकि जो है ना वो एक ईयर राज बस जाए मसालों के अंदर। उनका पहले जो है ना इसके अंदर क्रीम डाली गई है ठीक है। ये देखो इसके अंदर जो है इन लोगों ने क्रीम पहले ही रखी होती है ठीक है। और साथ जो है ना ये मक्खन डाला जा रहा है ठीक है। ओवरऑल जो है ना वो एक टोटल बड़ा हैवी किस्म का जो है ना मिक्सचर बना लिया ठीक है। तो आप ये देखो ये जो कबाब है ना ये हमारे इसके अंदर जो है ना बनाने जा रहे हैं। देखो हाय हाय सोचो खा के कितना मज़ा आएगा और ओवरऑल सीन जो है ना वो कितना हैवी होगा। और साथ जो है ना ये मसाला डाल रहा है ठीक है। लाल मिर्च जो है ना मसाला डाल रहा है और ताकि जो है ना वो इसका टेक्सचर जो है ना वो बड़ा हैवी किस्म का है। ये देखो इसको जो है ना वो टोटल अच्छी तरह जो है ना वो मिक्स किया जा रहा है ताकि मसाले जो है ना वो इसके अंदर अच्छा से। अब इसको जो है ना वहाँ पे रख दिया जाएगा पकने के लिए। A few moments later पैन पे जो है ना उसके लवाजमा जो है वो डाले जा रहे हैं ठीक है। मिर्चें वगैरह और वो जरा कुछ जो सर्विंग के लिए सारा टोटल नेसेसरी होता ना ये चेक करो। हमको जो है ना फुल ऑन सॉल्ट पे की तरह जो है ना वो यूं यूं करके जो है ना वो डाल रहे हैं। वो एक हैवी किस्म के जो हमारे तवा पे जो है ना वो तैयार हो गए। ऐसे तो सज्जी के साथ जो है ना फुल ऑन हैवी देगी चावल जो है ना वो तुम लोगों को मिलते हैं ठीक है। यहाँ पे जो है ना ये हैवी किस्म का इन लोगों ने सज्जी का जो है ना वो सेटअप किया हुआ है इन चावलों के साथ ठीक है। चावल ना वैसे शक्ल से तो बड़े नस्ली और हैवी किस्म के लग रहे हैं। अंदर जो है ना वो पहले से एक चार कुकड़ी पड़ी हुई है ठीक है। तो अब आप इनसे कहते हैं लोग देख सकते हैं इनके पास जो है ना मछली वगैरह भी पड़ी हुई है ठीक है ना। उसका भी हैवी सेटअप है सर्दियों की सौगात जो है। पर अभी मौसम वो हमें इजाज़त नहीं देता कि हम जो है ना वो आगे मछली वगैरह भी ट्राई करें। तो बाकी दिनों में रहेंगे फिर जो जब ठंड थोड़ी ज़्यादा होगी तो फिर आगे जो है ना वो मछली वगैरह जो है ना वो ट्राई करेंगे। सेटअप जो इनका वो भी मछली का भी बड़ा हैवी और अच्छा किस्म का लग रहा है। तुम लोग आगे ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो जो है ना वो इससे बकरे होने लग गए हैं ठीक है। तो अब जो है ना इसके अंदर देखते हैं मसाला कितना रजबा से आता है और फिर जो है ना इसको आगे चेक करेंगे। हमने जो है ना एक ऑर्डर करेंगे क्योंकि ऑर्डर जो है ना वैसे ही बड़ा ज़्यादा हो गया इसलिए हमसे खाया भी नहीं आ रहा। और लीस्ट इसके ऊपर जो है ना वो मलाई की पूरी जो है ना वो लेयर बनाई जा रही है ताकि जो है ना वो हैवी किस्म का जो है ना वो सर्व किया जा सके। और साथ जो है ना ऊपर ये धनिया डाला जा रहा है फुल ऑन जो है ना वो अंकल अपनी मोहब्बत के साथ जो है ना ये तवा पीस बनाया और सोचो इसके अंदर टेस्ट भी वैसे ही होगा। अंदर मसाले वगैरह वैसे ही ऊपर जो है ना वो नींबू नहीं सोरा जा रहा ठीक है। और अंदर मसाले कौन कौन से डाले? 12 मसाले मतलब कि 12 मसाले इसके अंदर आए तो सोचो कि मतलब कि बड़ी लेवल किस्म की होगी और टेस्ट बड़ा अच्छा होगा। तो इन्होंने रखे हुए ना तो इसके अंदर जो है ना वो डाले जाएंगे फुल ऑन हैवी गर्म चावल और साथ जो है ना हैवी किस्म की मसालेदार सब्जी जो है ना वो तैयार हो गई। तो मलाई बॉडी को जो है ना वो पूरी तरह नहलाते हुए ठीक है ना मक्खन के साथ और मलाई के साथ। हाय 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 कमाल यार ये तुम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होगा ठीक है ना कि इस तरह जो है ना वो चिकन के साथ साफ किया जाए और उसको मलाई और मक्खन के साथ जो है ना वो नहलाया जाए। हाय 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 लेवल ये सिर्फ जो है ना तुम लोगों को उस माइग्रेन में देखेगा ठीक है। कितना टेंडर और जूसी किस्म में जो है ना वो मलाई बॉडी अब हमारे सामने आ चुकी है तो देख सकते हो ठीक है। तो टेस्ट वाइज वैसे भी वो बड़ी ऑथेंटिक और बड़ी कमाल की समझी होगी। तो साथ जो है ना इसके अंदर वैसे ही मसाला डाले जा रहे हैं जिसका जो है ना वो कबाबों के अंदर डाला गया ताकि जो है ना इसका टेस्ट जो है ना वो कमाला हो जाए ठीक है। तो साथ जो इसको मिक्स किया जाएगा ताकि मलाई मसाला जो है ना वो टोटल मिक्स हो जाना है किस्म का मलाई कबाब जो है ना वो तैयार हो गए हैं। देखो A few moments later तो यार ये तुम लोग चेक कर सकते हो ये जो है ना हमारा हैवी किस्म का फुल ऑन जो है ना ऑर्डर आ गया है। हमारे जो है ना मखनी कबाब आ गए साथ जो है ना हमारी सब्जी आ गई ठीक है। और साथ जो है मलाई बोटी है तवा पीस है ठीक है। तो अब हम सोचेंगे कि हम खाना कैसे शुरू करें क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो हमारे सामने आ गई। पर पहले जो है ना वो हम ये तवा पीस क्योंकि हमने सबसे पहले बनता हुआ देखा था ना तो हम सबसे पहले ट्राई। तो यार हमारे जो हैवी किस्म जो है ना वो स्पेशल रोगनी नान आ गए ठीक है। बड़े नस्ली किस्म के और कितने कमाल लग रहे हैं। तो सुबह नाश्ते टाइम ही हमें मिलते हैं पर इन लोगों ने जो है ना वो हमें रात टाइम जो है ना वो अवेलेबल किए हैं वो बड़े कमाल किस्म के हैं। अब इसके साथ जो इसका टेस्ट जो है ना वो और अच्छा हो जाएगा। तो अब आओ टाइम बगैर टाइम जाए कि इसको ठंडा किया बगैर जो है ना इसके जो तुम लोगों को प्रोसेस मैंने दिखाया कि कितना लेवल और कितना अच्छा कमाल किस्म का था वो अब देखते हैं कि टेस्ट वाइज भी वैसा है कि नहीं। तो जो अंकल ने तो तोड़ा था इसको चीर फाड़ की थी तो देखते हैं कि ये गला भी है वैसा कि नहीं। वो तुम लोग चेक कर सकते हो वैसे जो है ना मसालों के अंदर टोटल जो है ना ये रिच और हैवी किस्म का तुम लोगों को दिख रहा होगा। और ये मैं तुम लोगों को ओवरऑल जो है ना वो इसकी क्वांटिटी दिखा रहा हूँ कितनी है ठीक है। और साथ जो है ना इसके साथ हमें ग्रेवी और मसाला देख रहा है बड़ा हैवी किस्म का। और इस नान के साथ जो है ना वो इसको फ्राई करके देखते हैं कि किस तरह का है। पहले जो है ना यहाँ से ये तुम लोग चेक कर सकते हो कितना जो है ना वो ऑथेंटिक किस्म का है कितनी आराम से जो है ना ये टूट रहा है ठीक है। तो
ना ज्यादा चुई है ना कोई, और बिल्कुल एक जो है ना वो फ्लेवर के अंदर रिच और जूसी है बिल्कुल। ये देखो ये हमारे साथ मसाले आ गए ठीक है, और एक जो है ना वो हैवी किस्म की जो है ना वो हमारी बाइट बन गई ठीक है। पहले जो मैं इसको सादा ट्राई करूंगा कि सादा जो है ना ये किस तरह का लगता है, तो यार बड़ा ही नेक्स्ट लेवल का जो है ना वो कबाब ही सा रहा है। बड़ा एक इसका एक इंस्टेंट टेस्ट आता है, साथ में इसके ऊपर क्रीम है ना, साथ में मक्खन है, वो जिस तरह की अच्छा जो इसका टेस्ट हो रहा है ना वो दुबाला कर रहा है। ये नहीं है वो जैसे आर्य छुटकारा था जिसके अंदर जो सिर्फ मिर्चों के अंदर कबाब भी थोड़ा सा था, ये वो वाला सीन नहीं है। क्योंकि उसका भी मैंने ब्लॉग बनाया, तुम लोगों ने देखा तो वो जाके देखो। बहरहाल ये ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है, ज़्यादा गले को पड़ने वाला भी नहीं है, बंदा इजीली आराम से खा सकता है। पर उस्मान जो है ना वो तवा पे जो है ना वो ट्राई करता है, जो बड़ा हैवी किस्म का जो है वो बना हुआ ठीक है, मसाले के साथ ओवरऑल जो है ना वो साथ चटनी के साथ। कैसा लगा जूसी है ना, बड़ा कमाल है। तो यार ये हमारे पास जो है ना वो मक्खन के अंदर ना आए हुए कबाब तुम लोग चेक कर सकते हो आए हुए ठीक है। ये देखो फुल जूसी हैवी किस्म के, तुम लोग इसका जूस निकलता हुआ चेक करो कि कितना लेवल किस्म का लग रहा है ठीक है। तो अब आओ बगैर किसी टाइम जाया किए इसको जो है ना वो इस रोगनी नान के साथ जो है ना मक्खन को भी मक्खनी कबाबों को भी ट्राई करते हैं ठीक है। तो ये चेक करो ये जो है ना ये हमने जो है ना इस कबाब की एक बाइट नहीं है देखो, मछली और हैवी किस्म के जो है ना वो बाइट बन गया। और साथ जो है ना इसके अंदर तुम लोगों को जो है ना वो ग्रेवी दिख रही होगी, ये साथ जो है ना इसी की ग्रेवी हम थोड़ी इसके ऊपर लगाएंगे ठीक है। ये देखो ये कितनी ऑथेंटिक और एक हैवी किस्म की जाना वो बाइट बनी है ठीक है। तो अब आओ इसको ऐसे ट्राई करके देखते हैं कि मसालों के साथ और मलाई होती मलाई के साथ और मक्खन के साथ ये किस तरह का। तो यार नेक्स्ट लेवल है, देखो ऑथेंटिक अरोमा इसका बड़ी कमाल फिर है। तुम लोगों को वैसे ही पता नहीं जिसके अंदर मक्खन डाल दिए उसका टेस्ट जो है ना वो एक अलग नेक्स्ट लेवल पे जरा होता है। तो ये जो कबाब है ना मखनी कबाब ये भी मस्त ट्राई है साथ ये भी, क्योंकि ये जो है ना एक बड़ी हैवी और बड़ी ऑथेंटिक किस्म जो है ना वो फील करवा रहे हैं। मैं भी इसको रेट करूँगा 10/10 ठीक है, वो मखनी मलाई बोटी है ठीक है। अब इसको जो है ना वो आप ट्राई करके देखेंगे इसका ओवरऑल टेक्स्चर और इसकी ओवरऑल जो है ना वो फील किस तरह की। तो अब आओ ये देखो ये हैवी जूसी किस्म की जो है ना वो मलाई बोटी देखो उसकी वो चेक करो कि कितनी कोई कमाल किस्म की है, टूट देखो कैसे रही है ठीक है। तो एक हैवी किस्म का जो है ना वो टेक्सचर तुम लोगों को वैसे ही दिख रहा होगा इसका, ये देखो साथ जो है ना इसके अंदर का ही जो मसाला हमें उन लोगों ने दिया ना ये देखो, और इसको अब हम ट्राई करेंगे कि देखते हैं किस तरह की लगती है। फुल ऑन जूसी मलाई बोटी है ठीक है, उसके ऊपर जो लोगों ने मसाला डाला ना उसकी वजह से उसका टेस्ट आना वो अच्छा हो गया। मलाई बोटी में तुम लोगों को पता है वो वैसे ही अगर बंदा वैसे भी खाए तो कितनी ऑथेंटिक होती है, साथ जो उसके अंदर मक्खन और क्रीम डाल दिया तो उसका जो है वो एक टेस्ट वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। तो इस सेम इसका टेस्ट जो है ना वो एक नेक्स्ट लेवल टेस्ट हो गया मक्खन और वो डालने के बाद। एक दो तीन तीनों चीज़ें जो हमने मंगवाई हैं अभी तक तो बहुत अच्छी आ रही हैं ठीक है। तो इसका वैसे ही खाना खा के ना वो माय ग्रिल का तो हम उफ उफ कर रहे हैं, क्यों टेस्ट अच्छा है। अगर तो तुम्हारे पास पैसे ना मैं तुम लोग यहाँ आते हो तो सारी चीज़ें छोड़ के फिर ये मंगवाना, अगर उसे है तो फिर ये मंगवाना ठीक है, और फिर ये मंगवाना अगर तुम्हारे पास बजट ज़्यादा तो तीनों चीज़ें फिर मस्त ट्राई करना है यहाँ पे आप। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। अब हमारे पास जो है ना वो हैवी परात जो है ना मिट्टी के बर्तन के अंदर चावलों की है ठीक है, और उसके अंदर सजी है एक हैवी क्वार्टर सजी हमने मंगवाई है ठीक है। तो अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसको जो है ना वो अब हम ट्राई करेंगे कि ये किस तरह की। ऊपर जो तुम लोग चेक कर सकते हो ऊपर तुम लोग चेक कर सकते हो सलाद की जो है ना उन लोगों ने स्पेशल जो है ना वो टॉपिंग की हुई है ठीक है। नीचे यहाँ पे जो है ना अभी सजी छुपी हुई है ठीक है, और सजी भी चेक करो कि कितने टेक्स्चर देखो उसका कितनी सॉफ्ट है कि यूँ करने से जो है ना वो रेशम की तरह जो है ना वो टूट रही है। खाली चावल जो देगी चावल नहीं थे उनको आप पहले ट्राई करते हैं। चावल तो यार बहुत फ्रेश है और बहुत अच्छे हैं। अमूमन ऐसे सजियों के अंदर जो है ना वो फीके चावल होते हैं और जिनका कोई टेस्ट नहीं होता, पर इसका उनसे कतरे बेहतर है।
तो आप साथ जो है ना हमें सलाद ये और साथ जो है ना ये चटनी, ये हमने जो है ना एक अच्छी सी बाइट बनाई है, हम इसको ट्राई करके देखते हैं इसका टेस्ट क्या है। सर जी वैसे ही मसाले वाली नहीं जैसी होनी चाहिए थी, पर इन साल में से अगर मैं कहूँ जो लीस अच्छी थी ना वो ये सजी थी, ठीक है, शायद इसलिए हमने जो है ना इसको लीस पर ट्राई किया, ठीक है, तो या इन सब का टेस्ट ला के इसलिए सजी का टेस्ट वैसा नहीं आ रहा। इसको मैं रेट करूँगा 8-10 में से, ठीक है। अरे उस्मान को जाना वो स्पेशल जो है ना कह कह के दो हफ्ते बाद जो है ना बना के इसको कबाब खिलाने ले गया हूँ, तो अब देखते हैं इज्जत का सवाल है मेरी कि इसको कबाब किस तरह के लगे, मुझे तो अच्छे लगे हैं भलाई। इसलिए बहुत दफा जिक्र किया है इधर जाना है, तो साथ जो है ना रायता मिक्स करके अब देखते हैं कि इसको कैसा टेस्ट लगता है। कमाल है ना, वो लेवल है ना उस्मान, ये मलाई बोटी पे ट्राई कर, ये भी मैंने स्पेशल तेरे लिए मंगवाई, इसको देख के बता के तुझे कैसी लगी। इसका भी जो है ना ओवरऑल टेक्सचर बड़ा अच्छा था, बड़ा कमाल किस्म का था, और मसाले जो है ना इसके अंदर जो उसमें वो हिडन एक लाल मसाला जो है ना उसके अंदर डाला ना, वो एक नेक्स्ट लेवल फील करवा रहा था। हाँ उस्मान तुझे ज्यादा अच्छा क्या लगा? मलाई बोटी ना। तो यार यहीं पे जो है ना मैं ब्लॉग एंड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं घर आ गया था, ओवरऑल जो है ना बड़ा लेवल किस्म का अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। तो तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं फिर तुम लोगों से किसी अगली वीडियो के, इधर तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।